निजनी वंदितो सर्वसिद्धे धुवममल मनोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणुमो सुद केवली भड़िदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पिछली ज्ञानशाला में ये बताया गया था मिथ्यात्व अविरति कषाय और योग ये परिणाम दो प्रकार के हैं जीव भी और अजीव भी। अब यहाँ ये बताएंगे कि जीव कौन से हैं और अजीव कौन से हैं। गाथा नंबर 95 निकाल लीजिए और उसमें देखिए पूगल कम मिच्छम जोगो अविरदि अणाणुम जीवम उभोगो अन्नाणम अविरदि मिच्छत जीवो दो पूगल कम्मं मिच्छं जोगो अविरदि अन्नाणुम जीवम उभोगो अन्नाणम अविरदि मिच्छत जीवो दो पूगल कम्मं मिच्छं जोगो अविरदि अन्नाणुम जीवम उभोगो अन्नाणम अविरदि मिच्छत जीवो दो। पुगल कम्मम पुद्गल कर्म रूप मिच्छम मिथ्यात्व जोगो योग अविरदि अविरति अन्नान और अज्ञान अजीवम अजीव है। अर्थात ये चारों पुद्गल कर्म रूप हैं वो तो अजीव हैं और उपयोगो जो उपयोग रूप हैं कौन अन्नानम अज्ञान अविरदि अविरति मिच्छत्तम मिच्छत्व माने मिथ्यात्व जो उपयोग रूप हैं जीवोदु वे जीव हैं। मिथ्यात्व फिर एक बार देखें समझें थोड़ा जो मिथ्यात्व अवृत्ति अज्ञान योग रूप पुद्गल कर्म हैं वे अजीव हैं और जो आत्मा के परिणाम अवृत्ति अज्ञान उपयोग रूप हैं वे जीव हैं। देखते हैं एक बार अच्छी तरह से पुद्गल कर्म रूप मिथ्यात्व योग अविरति अज्ञान ये तो अजीव हैं क्योंकि पुद्गल कर्म रूप हैं और जो उपयोग रूप हैं अज्ञान अविरति और मिथ्यात्व वे जीव हैं। उपयोग जीव का परिणमन है और कर्म रूप परिणमन पुद्गल का है इसलिए जो कर्म रूप हैं वे पुद्गल हैं और जो उपयोग रूप हैं वे जीव हैं। जो मिथ्यात्व योग अविरति और अज्ञान अजीव हैं वे पुद्गल कर्म हैं और जो अज्ञान अविरति और मिथ्यात्व जीव हैं वे उपयोग रूप हैं। चलिए प्रश्नोत्तर गाथा नंबर 95 का पद्यानुवाद देखें। मिथ्यात्व से बने रही भव बीच फेरी अज्ञान और अविरति त्रय योग मेरी चारों अजीव जड़ पुद्गल शील वाले और चार जीव
उपयोग वाले। कभी भी अगर प्राकृत वाली गाथा समझ में नहीं आए तो नीचे जो पद्यानुवाद है उसको दो बार आप पढ़ेंगे ना तो गाथा अपने आप स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि आचार्य जी ने ये पद्यानुवाद इतने सरल बनाए हैं और इतने फिट बनाए हैं कि ये गाथा को ज्यों की त्यों कहने वाले हैं। इसलिए कभी भी गाथा समझ में नहीं आए तो नीचे वाले इस पद्यानुवाद को पढ़ लें, एक दो बार गाथा स्पष्ट हो जाएगी। आइए अब गाथा नंबर 96 देखते हैं। ओव ओग सुणाई परिणामा तिर्णि मोह जूतस मेच्छतम अर्णानम अविरति भावो यणादवो। उभोगस्वणायि परिणामातिन्नि मोहजूतस मेच्छतम अर्णानम अविरति भावो यणादवो। उभोगस्वणायि परिणामातिन्नि मोहजूतस क्षतम मरणानम अविरद भावो यणादवो। उभोगस उपयोग के, अणायी अनादिकालीन, परिणामा परिणाम है, वे तिन्नी तीन प्रकार हैं, मोह जुतस मोह से युक्त जीव के। फिर देखें जरा कहाँ से अर्थ लगाएंगे, नीचे से आए हुए। मोह जुतस मोह से युक्त जीव के, उभोगस उपयोग के, अनादिकालीन अनादिकाल से, तिन्नी माने तीन परिणाम हैं। कौन कौन से परिणाम हैं? मिच्छतम मिथ्यात्व, अन्नानम अन्नान, अविरति भावो अविरति भाव रूप, नादब्बो जानने चाहिए। क्या समझना है? अनादिकाल से जो मोह से युक्त जीव है उसके परिणाम तीन प्रकार के रहते हैं हमेशा, और इसीलिए अनादिकाल से संसार भ्रमण हो रहा है। कौन कौन से हैं फिर देखें। अणायी अनादिकालीन जीव के, मोह जुतस मोह से युक्त जीव के, उभोगस उपयोग के, तिन्नि परिणामा तीन प्रकार परिणाम हैं। वे कौन कौन से हैं? वे मिथ्यात्व अज्ञान और अवृत्ति भाव, इन तीनों को जानना चाहिए। पंडित जी, इन परिणामों को छोड़ा कैसे जाए? आध्यात्म के बताने वाले शास्त्रों का स्वाध्याय करेंगे, सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान बनाएंगे, सात तत्व को अच्छी प्रकार स्वाध्याय करके समझेंगे, निज और पर क्या है, इसका भेद विज्ञान क्या है, इसको जानेंगे। जब आपको मालूम पड़ेगा मैं तो आत्मस्वरूप ही हूँ, तब मैं आत्मा में ही रम के रह जाऊंगा। जब जानूंगा तभी तो ऐसा करूंगा, नहीं तो क्यों करूंगा। मैं जानता हूँ मिथ्यात्व अवृत्ति आदि का करना अनंत संसार का कारण है और इनको छोड़ना मोक्ष का कारण है, तो मैं इनको जानूंगा तो फिर जान के इनको छोड़ूंगा। सात तत्व नौ पदार्थ देव शास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान करूंगा, मिथ्यात्व रूपी परिणाम हट जाएगा। व्रतों को धारण करूंगा, मान लो मुनि महाराज बना, महाव्रतों को धारण किया,
तब अविरति रूप परिणाम हट जाएगा। अगर मैं अपने आत्मस्वरूप का ठीक परिचय प्राप्त कर लूँगा तो अज्ञान रूप परिणाम हट जाएगा। कषाय करना छोड़ दूंगा, क्षमा आदि भाव रूप परिणमन करूँगा तो क्रोधाद कषाय रूप परिणमन हट जाएगा। इनका परिणमन इनका स्वरूप जानने से होगा। इनसे कैसे हटा जाएगा? इनके स्वरूप को पहचानूं और स्वरूप को पहचानने के बाद ये कैसे हैं, इनसे मेरा क्या नुकसान है, जब इनको जान के इनको छोड़ूंगा ये छूट जाएंगे और मेरा अपना परिणमन सही परिणमन होने लगेगा, विपरीत परिणमन मेरा बच जाएगा। इसलिए इनको छोड़ने का पहला तरीका है मैं स्वाध्याय करके इनका स्वरूप जानूं। दूसरी बात, जिन मुनि महाराजों ने इनको छोड़ा हुआ है, मिथ्यात्व को, अविरति को, प्रमाद को, बहुत सारी कषायों को भी छोड़ दिया है, मैं उनके साथ रहूं, उनकी संगति करूं। चारित्रवान जीवों की संगति से लाभ क्या होता है? उनको देख देख के चारित्र धारण करने का मन बनता है और चारित्र धारण करते ही अविरति रूप जो भाव है वह भाव समाप्त हो जाता है। अविरति भी अनंत संसार का कारण है। और तीसरी बात, अज्ञान से कैसे हटूं? प्रवचन सुनूं, ज्ञानियों के पास बैठूं, मेरा स्वरूप क्या है इसका मैं ज्ञान करूं तो अज्ञान भाव से भी दूर हो जाऊंगा। इसलिए इनसे हटने का, इनसे मिथ्यात्व, अविरति, अज्ञान भाव से बचने का तरीका है कि मैं इनको हटाने वाले कारणों का आश्रय लूं। अगर मैं ऐसा करूंगा ये हट जाएंगे, नवीन कर्म का बंध रुक जाएगा, मेरी आत्मा की अपवित्रता खत्म हो जाएगी, मैं पवित्र बन जाऊंगा। लेकिन घर में रहते रहते ये होना विधिवत संभव नहीं। अगर इनसे वास्तव में दूरी करनी है तब तो मुनि अवस्था धारण करके, उससे भी काम पूरा नहीं बनेगा, मुनि अवस्था धारण करके मैं आत्मरमण करूंगा, मैं शुद्धोपयोगी बनूंगा, तब ये सारे जो बंध के कारण हैं एक तरफ हट जाएंगे, मैं धीरे धीरे बंध रहित तो हो जाऊंगा। पंडित जी, वर्तमान में चारित्र धारण करने का काल है ही नहीं, फिर वर्तमान में अभी अविरति कैसे हटे? कौन कहता है चारित्र धारण करने का काल नहीं? क्या किसी शास्त्र में लिखा है पंचम काल में चारित्र नहीं होगा, मुनि नहीं होंगे, छठा सातवां गुणस्थान नहीं होगा? कहीं लिखा है ऐसा? नहीं लिखा। तो ये कैसे कह दिया चारित्र धारण करने का काल नहीं है? अरे वर्तमान में हम तो उस काल में जन्मे हैं जहाँ चौथे काल जैसी चर्या वाले आचार्य विद्यासागर जी महाराज इस भरत क्षेत्र नहीं अपने भारतवर्ष में मौजूद हैं। जरा जाके उनकी चर्या तो देखो। मैंने एक पत्रिका में अभी अभी पढ़ा था, पत्रिका में लिखा था एक पंडित जी ने, मुझे हंसी आ गई पढ़ के, कि वर्तमान काल में कोई सच्चा मुनि है ही नहीं। अरे तुम जैसों को जो अभी शुद्ध भोजन भी नहीं करते, उन्हें सच्चे मुनि है या नहीं उन्हें कहने का क्या अधिकार है? जाके देखते हो नहीं, मुनियों के पास जाते नहीं, उनके चारित्र को देखते नहीं, जब देखते नहीं तो कहने का अधिकार क्या? जरा चले जाओ और आचार्य विद्यासागर जी महाराज के पास महीने दो महीने रह के देखो कि उनकी चर्या कैसी है, फिर देखो चारित्र का धारण करने का काल है या नहीं। प्रणम्य सागर जी महाराज हैं, जरा उनकी चर्या देखो। समय सागर जी महाराज हैं, उनकी चर्या देखो। देखो तो सही उनकी चर्या कैसी है। सुधा सागर जी महाराज की देखो, जैन धर्म की कितनी प्रभावना, कैसी चर्या हो रही है, जरा चर्या तो देखो, तब मालूम पड़े चारित्र धारण करने का काल है या नहीं। क्या आपत्ति क्या है? आचार्य विद्यासागर जी महाराज आज जीरो टेम्परेचर पे भी बिना चटाई ओढ़े सोते हैं, तो उनके शरीर का सहनन अच्छा होगा, सहनन अच्छा नहीं होगा? जब मन में चारित्र धारण करने की बात बन जाती है ना, तब सब चारित्र धारण हो जाता है। आज अगर हम चारित्र से डरते रहे, काल नहीं है, परिस्थितियां नहीं है, तो हम धारण नहीं कर पाएंगे। और आज धारण करने का मन बनाए, कोई आपत्ति नहीं।
अविरति बुरी है, बुरी है तो कम से कम प्रतिमाएं तो धारण कर लें। प्रतिमा धारण करने में वर्तमान में कोई आपत्ति नहीं। इसलिए समय सार सुनना अलग बात है, समय सार मैं बनना अलग बात है। आप समय सार सुन तो रहे हैं, आत्मा आत्मा आत्मा, तो शुद्ध आत्मा की बात सुन रहे हैं, तो अपने आत्मा की अशुद्धि को थोड़ा थोड़ा हटाने पे तो विचार करेंगे अपन। अगर नहीं करेंगे तो समय सार सुनना बेकार हो जाएगा। आचार्य विद्यासागर जी महाराज कहते हैं, समय सार सुनना अलग बात है, समय सारी बनना अलग बात है। हम और आपको समय सारी बनना है। अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए हमें प्रयत्न में लगना है। क्या करें? राग द्वेष परिणामों को कम करें, धीरे धीरे व्रतों की ओर बढ़ें। और अगर सब कुछ सहयोग, कर्म का भी शरीर का भी सब अनुकूलता मिल जाए, तो पुरुष हो तो मुनि और स्त्री हो तो आरिका बनकर ही जीवन समाप्त करें। इस बात का तो नियम लेके बैठ जाएं कि इस जन्म में वृत्ति बन के मरना है और समाधि मरण करना ही है। गाथा 96 का पद्यानुवाद। मोहाभिभूत उपयोग वरे अनादि, निम्नोक्त तीन परिणाम करे प्रमादि। अज्ञान अविरति अरूप मिथ्या, पाया अतेनाबलो सुख सत्य नित्या। नित्य माने हमेशा रहने वाला। इसीलिए हमेशा रहने वाला जो सच्चा सुख है हमको अभी तक नहीं मिला, क्योंकि हम अज्ञान अविरति और मिथ्यात्वरूप परिणाम करते रहे। अब इनको छोड़ना है। जय जिनेन्द्र।